अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहु। हेलो व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी है सूखे बेर। सूखे बेर से हम एक चटपटे रसीले बेर बनाएंगे, तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। बेर को हम अच्छे से साफ कर लेंगे ताकि इसमें कोई कंकर या कीड़ ना आए। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से 3-4 पानी से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसे 3 घंटे के लिए भिगोने रख देंगे। यहाँ पर 3 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये फ्रेश बेर की तरह नजर आ रहे हैं। इसने हमने 3 घंटे भिगोने के लिए रखा था। अब हम एक कुकर में ये बेर ऐड कर इसमें 1/2 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसे हम 1 सीटी देंगे। यहाँ पर 1 सीटी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बेर को निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और इसमें हम गुड़ ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने लिया था बेर 500 ग्राम, गुड़ हम 250 ग्राम लेंगे। गुड़ हम बेर में ऐड कर लेंगे और इसे हम 5 मिनट तक फुल फ्लेम पर पकाएंगे। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, इसे हमने एक बाउल में निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। देखने में ही कितने चटपटे लग रहे हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में भी ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।